नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। अभी हम गौरीगंज के आवास जिलाधिकारी अमेठी के कार्यालय की तरफ खड़े हैं, सामने देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, यहाँ पे कोर्ट वगैरह बन रहा है और जिलाधिकारी का कार्यालय भी है। तो ब्लॉगिंग मोटो ब्लॉगिंग के जरिए थोड़ा सा एरिया दिखाएंगे कैसा दिखता है यहाँ का जो कोर्ट बन रहा है। और यहाँ पे देखिए गाय वगैरह चरा रही है, चाची वगैरह। तो चलते हैं, ब्लॉग वीडियो दिखाते हैं आपका। वीडियो में आज आप लोगों के बीच हम गौरीगंज शहर में हैं और गौरीगंज पे एक नया कोर्ट बन रहा है। अक्सर हम इधर से जब भी आते जाते हैं तो देखते हैं। कई बार हमने प्लानिंग भी की लेकिन थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से नहीं दिखा पाए। तो ऐसे में आज से मौका था आप लोग के बीच। मौसम भी अच्छा है तो मौसम अच्छा, हमने सोचा एक ब्लॉग वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं। तो अभी हम जो नया निर्माण हो रहा है कोर्ट अपने गौरीगंज का, उसी में आए हुए हैं। यहाँ पर एंट्रेंस है और थोड़ा सा यहाँ का ब्लॉगिंग वीडियो दिखाएंगे। और ये कि नया विकास है हमारे क्षेत्र में, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ नया चल रहा है। तो गौरीगंज में भी एक कोर्ट हो गया, अब ये भी इसकी ओपनिंग क्या है कब है, एक भैया जी हैं इनसे बात करेंगे दिखाएंगे। तो थोड़ा सा आपको चल के अंदर दिखाते हैं। ओके, तो भैया आप लोगों को दिखाते हैं हमारे भाई साहब है, क्या नाम भाई? अनिल कुमार भाई। कहाँ रहने वाले आप? गौरीगंज से। तो ये जो कोर्ट का काम चल रहा है कब से चल रहा है? 2016 से। बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा लॉकडाउन टाइमिंग था, उस समय थोड़ा से कई सारे काम रुक गए थे। तो अभी इसका मतलब जैसे कोई ठेकेदार होंगे या कोई होगा इसको बनाने वाला, तो मतलब कौन है इसके बारे में जानना चाहेंगे? ये हमारे राकेश प्रताप विधायक जी। अच्छा, राकेश प्रताप विधायक जी, उनके अंडर में है। तो उसके बाद भी कोई भी ठेकेदार? हाँ, बाकी काम करते हैं हमारे। कहाँ के? रायबरेली से। रायबरेली से। तो आपका क्या काम, मतलब किस उस पर देख रहे हैं? हम देखते हैं, हाँ, साइड देखते हैं। साइड देखते हैं, बाकी लेबरों को देखते हैं। अच्छा, लगभग काम की बात की जाए तो कैसा है, पूरा हो गया? हाँ, लगभग 99% हो गया। 99% पूरा हो गया है। तो थोड़ा सा आपके साथ देखना चाहेंगे उससे, कब तक इसकी मतलब ओपनिंग है, कब तक कंप्लीट मिलेगा फाइनल? फाइनल बिल्डिंग हो जाएगी 15 अगस्त। 15 अगस्त मतलब इस बार, मतलब 15 अगस्त को पूरा धूमधाम से तैयारी चलेगी। हमें लगता है 15 अगस्त को झंडारोहण भी होगा। झंडारोहण बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब भैया के साथ मिलके हम आगे थोड़ा से दिखाएंगे जो कोर्ट बना है, अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो एंट्रेंस है ये, सबसे पहले अंकल जी बैठे हैं। नमस्ते अंकल जी, क्या नाम है आपका? हीरा लाल। क्या नाम? हीरा लाल। अंकल जी कैसे हो, ठीक हो? सब बढ़िया चल रहा है। आप यहीं रहते हैं क्या, देख रेख में? अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। तो जैसे एंट्रेंस पे हलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया है चारों तरफ से। तो कुछ बताते हुए चल सकते हैं आप, बताएंगे कुछ मतलब भी यहाँ पे क्या होगा? मतलब ये तो एंट्रेंस है अभी। हाँ, ये एंट्रेंस हो गया। जैसे बात की जाए, जैसे कोर्ट के जज साहब किधर बैठेंगे? अच्छा, इसके साथ में। हाँ, कहाँ पे? इस साइड थोड़ा सा। इंट्रेंस के बाद जैसे इंटर करते हैं ये एरिया पर, यहाँ पर तो ओपन एरिया, ये ओपन एरिया जैसे कि लोग आए और ओपन सामने आए आपका कोर्ट रूम। अच्छा, कोर्ट रूम। हाँ, मेन कोर्ट रूम की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, हम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट कैसे होता है, तो कुछ इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे इंसान बैठे देखते थे, लेकिन आज अपने आंखों से सच देखे हैं। वैसे तो भगवान न करे किसी को कोर्ट आना जाना पड़े, लेकिन जब चीज़ें हमारे क्षेत्र में हो रही, विकास हो रहा, तो दिखाना बनता है। तो ये मेन हिस्सा है। अब इसके अलावा हम आपको थोड़ा से अंदर का हिस्सा दिखा देंगे। और बने हैं बहुत ऐसे ऐसे और भी हैं। और अच्छा, और भी आपको दिखाते हैं। आ जाओ और आगे देखते हैं थोड़ा सा।
जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भी साफ सफाई का काम चल रहा है। लगभग जो काम की बात भैया ने बताई कि सारा कंप्लीट है, फिनिशिंग का काम कर रहा है। भैया लोग जी बताए कैसे, भैया क्या नाम है? संदीप। संदीप भाई कैसा लग रहा है काम करके, मजा आ रहा है? आ रहा है ना? तो कब तक तैयार कर दोगे? बहुत सारा ठीक है भैया, यहाँ पे तैयारी कर रही है पूरा काम का साफ सफाई। और इधर भी थोड़ा दिखाते हैं, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही एरिया है वो रूम ना। यहाँ की फ्लोरिंग है बोलते हैं सुपर बना के थोड़ा बेहतरीन और ये कोर्ट है। अच्छा आपने बताया था अलग अलग कोर्ट है, जैसे सबसे पहले कोर्ट किस कोर्ट डीएम सर, उसके बाद ये एडीएम सर, फाइनल कौन होता है लास्ट? फाइनल एसडीएम सर। और कोई इसके अलावा भी? हाँ कोर्ट रूम और है। अच्छा और भी मतलब ऐसे टाइप के मतलब कोर्ट तीन चार बने जिला जज के, जिला जज के हिसाब से। तो ऐसे ही कुछ होता है कोर्ट में, जो लोग शायद कोर्ट नहीं गए हैं ना जाए भी वैसे, तो उनको दिखाना चाहेंगे हमारा नया जो निर्माण हो रहा है गौरीगंज का ये कोर्ट, ये कुछ इस तरह से है, ऐसे होता है कटघरा घर। तो विटनेस बॉक्स तो बनेगा ये भी, बट ये जो मेन जज साहब सामने लगे तो ऐसे दिखता है यहाँ का डर चुके हैं। और यहाँ का भी नज़ारा आप देख सकते हैं जिस तरह सेम वैसे डिजाइन किया गया है चारों तरफ, वैसे ही जैसे आगे का कोर्ट दिखाए थे। देखिए कई सारे यहाँ पे जज साहब का जो कोर्ट बना हुआ है वो किस तरह से प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल भी रहा है अभी, और यहाँ पे फ्लोर की जो मतलब फिनिशिंग होती है वो चल रही है। अभी कोर्ट के ऊपर का नज़ारा हर जगह दिखा है, सेम ऐसे ही लुक में बना है। चलते हैं एक बार टॉप फ्लोर पे भी चल देते हैं, वहाँ से दिखा देते हैं भैया लोग, ठीक है? मेहनत कर रहे हैं भैया लोग पूरा, और तैयारी पूरी चल रही है। 15 अगस्त को इसकी ओपनिंग है इस कोर्ट की। ये देख लो अंकल जी, कैसे हो अंकल जी? ठीक हो? बढ़िया है। इधर से चलो सीढ़ी चलते भाई। तो अभी हम एकदम टॉप पे आ चुके हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है और हाँ इधर से पूरा यहाँ पे भी काम वगैरह चल रहा है। अब यहाँ से सामने एक नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं, सामने ये क्या भवन है भाई, सामने जो बना? अच्छा इधर डीएम साहब का आवास बना है सामने, सरकारी का मतलब सरकारी रहने वाले की जगह होगी। यहाँ पे कौन सा आवास? वो सामने आवास। अच्छा सामने डीएम आवास है। यहाँ पे भी बारिश में भाई काम चल रहा है पूरा। अंकल जी बारिश में भी सही है, टंकी वगैरह के लिए ना? सही है, टंकी काम चल रहा है। देखो अंकल जी बारिश में पूरा अपना लगे मेहनत कर रहे हैं, दूर दूर का नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी बारिश हो रही, बारिश के चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन अच्छा लगा यहाँ पे आके और भैया लोग से मिल के। अंकल जी से आप देख सकते हैं बारिश हो धूप हो काम चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ इस कोर्ट के बारे में आप लोग को दिखाए और रूफ साइड से आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कैसी कैसी तैयारी चल रही है। एक समय है कि अभी हमें आने का मौका मिला है और हम आपको यहाँ के भीतर से लेके घर इसका जितना क्या कहेंगे एंट्रेंस लेके आउटसाइड का सब नज़ारा दिखाए। थोड़ा कैमरा पकड़ो, हमें भी दिखाओ इधर से। तो अभी कोर्ट के एकदम टॉप पे आ चुके हैं ये, ऐसे जैसे ये देख रहे हैं ये क्या बोलते हैं जज साहब का एक मेन हिस्सा है, जो जज का जो कोर्ट होता है उसके ऊपर का हिस्सा है। ऐसे कई सारे बने वहाँ पे अलग अलग, तीन चार आपको कटघरे वाले रूम दिखाए जहाँ पे फिटनेस बॉक्स वगैरह होता है। यहाँ आके अब अच्छा लग रहा है। तो क्या कह रहे थे, हाँ बात कट गई। एक समय है अभी हम ब्लॉगिंग के जरिए आपको यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, चारों तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन एक टाइम आ जाएगा कि शायद हम लोग यहाँ पे एंट्री भी ना हो, सब लोग ऐसे आ भी नहीं सकते हैं। तो ये एक परमिशन के थ्रू हम आए और आप लोग को दिखाना चाहे अपने क्षेत्र का गौरीगंज का ये कोर्ट। आप लोग को कैसा लगा आप बताइए थोड़ा सा, क्या देखा? यहाँ का नज़ारा बड़ा जो करता है, इधर का मौसम कितना शानदार है ना।
तो पूरी तैयारी चल रही है, पूरा 15 अगस्त को एकदम धमाकेदार यहाँ पे जोरदार स्वागत रहेगा। और अभी इधर पीछे देखो, इधर का नज़ारा ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे भी पूरा भी काम कुछ बाकी है, वो भी चल रहा है। तो दूर दूर तक पूरा सामान है, आगे भी कई सारी बाउंड्री है अलग अलग चीज़ों की। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ बात की जाए हमारे क्षेत्र में, तो एक नया विकास है। विकास क्या कहेंगे, विकास के अलावा ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे गौरीगंज को मिली है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। और ऐसे ही हर क्षेत्र को विकास के रूप में बदला जा रहा है, नया नया बदलते हुए। और बस इतना ही। और इस वीडियो में आप लोग को गौरीगंज का कोर्ट दिखाए, यहाँ से बहुत सारे लोगों को न्याय मिलेगा। और आशा उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगा होगा ये पार्ट वीडियो का, कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय।